एपिसोड शुरू होता है और मैटी कहता है, ग्रेट पावर्स पाने के बाद मैंने खुद को रिकार्नेट किया और हजारों सालों के बाद मैं मैटियस बन के रिबॉर्न हुआ, वो भी हिल्समेयर की फैमिली में तीसरे बेटे के तौर पर। लेकिन जब मुझे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज वापस मिली, तब मैंने एक ऐसे वर्ल्ड को देखा जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रेस्ट सबसे वीकेस्ट क्रेस्ट के नाम पर डिस्क्राइब किया जाता है एंड जहाँ पर स्पेल कास्टिंग टेक्निक काफ़ी खास है। एंड अब यहाँ पर कई सारे लोग डीमन को देख रहे होते हैं एंड मैटी अपना साइड में खड़ा होता है। तभी यहाँ पर लूरी आ जाती है एंड वो मैटी को हक कर लेती है एंड फिर यहाँ पर आलमा भी आ जाती है जो कि लूरी की टांग खींचने लग जाती है। आगे मैटी और हेड मास्टर दोनों ही कैसल की तरफ जाते हैं जहाँ पर मैटी कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसका हेड मास्टर कहता है कि किसी ने भी हिस्ट्री में अकेले किसी भी डीमन को नहीं हराया है। उसके बाद मैटी और हेडमास्टर किंग के पास पहुंचते हैं जहां पर किंग मैटी के बारे में पूछता है एंड मैटी अपना नाम और बाकी सब कुछ बताता है। फिर किंग मैटी को रिवॉर्ड के तौर पर उसका ही विलेज रूल करने को देते हैं जहां पर मैटी मन में कहता है, मैंने खुद को रिकार्नेट इसलिए नहीं किया था ताकि मैं एक जमीन के टुकड़े पर राज कर सकूं, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड फिर किंग से कुछ और मांगता है। फिर किंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसी एक मैजिक स्वॉर्ड चलेगी जिसे दो बार एंचेंट किया गया है। जब स्वॉर्ड स्मिथ ने मुझे वो स्वॉर्ड दी थी तब कहा था कि इसे एक बच्चे ने एंचेंट किया है। मैटी को वो शॉपकीपर भी याद आ जाता है। फिर किंग कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। फिर मैटी कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे किंगडम में ड्यूंगेंस में रिसोर्सेज ढूंढने जाने दें। फिर किंग कहता है, तुम्हारा मतलब वो तो नहीं ना जो मॉन्स्टर ने अफवाह फैलाई है ड्यूंगेन के बारे में एंड और भी लोगों ने झूठ बोला है। एंड मैटी कहता है कि हाँ। एंड फिर वो मन में कहता है, ड्यूंगेन एक किंगडम का बेस्ट एसेस्ट है एंड वहाँ पर गोल्ड्स की माइंस भी है। मेरी पास्ट लाइफ में ड्यूंगेन के लिए एक किंगडम और दूसरा किंगडम फाइट किया करते थे एंड वहाँ पर मॉन्स्टर के पार्ट्स मैजिकल मटेरियल वगैरह कंटेंट्स मिला करते थे। लेकिन इस एज में और इस दिन पे इतना नॉलेज होना काफ़ी हानिकारक है। इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों को ड्यूंगेन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। फिर किंग मैटी से कहता है कि तुम दा सकते हो लेकिन मुझे तुम्हारा एक ओपिनियन चाहिए। जो हमारे चूसन फोर थे वो सारे उस डीमन के अपेयर होने के बाद कहीं चले गए हैं, मतलब कि पूरी तरह से यहाँ से गायब हो गए हैं। एंड इनका पहला हजारों सालों पहले चुना गया बंदा भी काफ़ी सालों पहले ही अपेयर हुआ था। ये चीज़ सजेस्ट हुई थी कि हमारी कंट्री में कई सेंचुरीज से डीमन रहते आ रहे हैं। मैटी मन में कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में लगभग सारे डीमंस को ख़त्म कर दिया था लेकिन मेरे रिकार्नेट करने के बाद बचे हुए डीमंस ने मैजिक नॉलेज के बारे में कई सारी अफवाहें फैलाई एंड फिर इंसानों के बीच रहने लगे एंड इंसानों से भी ओवर पावर्ड हो गए। फिर किंग मैटी से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारे किंगडम में से डीमंस को भगाने ही आए हो। फिर मैटी कहता है, अगर उस डीमन के अनमास्किंग करने की वजह से वो चूसन वन गायब हो गए है तो ये चीज़ एक इशारा है कि उनके मास्क मेंटेन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है अब। फिर एडवर्ड कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। फिर मैटी कहता है, डीमंस का अगला कदम एक फोर्स बनाना होगा जिससे वो किंगडम को एकदम से तबाह कर सके लेकिन वो अभी हमें कोई भी मुश्किल नहीं डालेंगे क्योंकि उन्हें फोर्स बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा जिससे वो हम पर अटैक तुरंत नहीं करेंगे। अगर मेरे प्रिडिक्शन की मानो तो उन्हें ये सब करने में 3 महीने लगेंगे। ये सुन के एडवर्ड एंड किंग दोनों ही परेशान हो जाते हैं। फिर मैटी कहता है, हमें पूरे किंगडम पर एक बैरियर लगाना होगा। इस बैरियर को हम सारे स्टूडेंट मिलके बना सकते हैं जिसके लिए हमें सेकेंड एकेडमी की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोनों ही एकेडमी के स्टूडेंट मिलके काम करेंगे तो ये चीज़ 1 महीने में हो जाएगी, मतलब कि वो सारे मिलके एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाएंगे और तो और वर्डलेस स्पेल की पढ़ाई भी शुरू ही रहेगी। फिर किंग मैटी की बात मान जाता है एंड मैटी को डीमंस के खिलाफ अपना लीडर बनाता है।
इसके बाद किंग का एक बंदा मैटी को बैरियर बनाने का सामान दिलाने के लिए एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर मैटी एक स्वॉर्ड देखता है जो कि उसने अपने पास्ट लाइफ में टेस्ट के लिए बनाई थी। एंड अब वो स्वॉर्ड का बैरियर के कोर के तौर पर यूज करेगा। फिर उसे एक लॉकेट भी मिलता है जो कि उसी ने बनाया था। एंड और भी चीज़ें ले लेता है। उसके बाद वो अपने एकेडमी में जाता है जहाँ पर उसे आलमा एंड लूरी मिलते हैं। और लूरी और आलमा को दोनों को ही एडवर्ड ने सारी बातें बता दी होती है। मैटिन को बताता है कि बैरियर बनाने का सामान लेने के लिए उसे ड्यूंगियन में जाना होगा। एंड फिर वो सोच के इन दोनों को अपनी पार्टी में ज्वाइन होने को कहता है। इस पे वो दोनों मान तो जाती है लेकिन अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी बताती है, जहाँ पर मैटी उसे एक एरो चला के दिखाता है एंड उसे कहता है कि इसमें बस एक एंचेंट ही है। वैसे आलमा के पास एक स्टैंडर्ड क्रेस्ट है तो वो ये चीज आसानी से कर सकती है। एंड रही बात लूरी की तो वो एरो पे अपना मैजिकल स्पेल यूज कर सकती है। अब लूरी कहती है कि वो एंचेंटमेंट भी करना चाहती है। अगर मैटी उसे सिखाएगा तो वो उसकी पार्टी में ज्वाइंट हो जाएगी। एंड मैटी कहता है कि ठीक है चलो। ये तीनों ही ड्यूंगेन में चले जाते हैं जहाँ पर मैटी एक छोटे से मॉन्स्टर को लाता है आलमा की प्रैक्टिस के लिए। फिर आलमा एरो लेके रेडी हो जाती है एंड अपना मैटी उसे इंस्ट्रक्शन देता है जिसपे आलमा सही से उतरती है। एंड उसके बाद मैटी उसे दूसरा एरो चलाने को कहता है, ये कह के कि वो अपने एंड एरो के बीच कनेक्शन बनाए जिससे वो एरो की डायरेक्शन को अपने आप से कंट्रोल कर पाएगी। एंड फिर एरो छोड़ने को कहता है जहाँ पर आलमा की नज़र एक और छोटे से मॉन्स्टर पर जाती है जो कि मैटी के पैर में होता है। एंड वो एरो उस मॉन्स्टर पे जाके लगता है एंड वो छोटा सा मॉन्स्टर वही खत्म हो जाता है। फिर मैटी कहता है कि इसे ट्रेड गाइड एंचेंट कहते हैं एंड अब तुम तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम एक साथ दो मॉन्स्टर को हरा नहीं देती हो। एंड आलमा छोटे से मॉन्स्टर को ढूंढने चली जाती है। फिर मैटी कहता है जब तुम मॉन्स्टर को मारोगी तब एक मैजिक स्टोन अपेयर होगा जो कि तुम्हें ले लेना होगा क्योंकि वो बैरियर के लिए जरूरी है एंड उसे कलेक्ट करती रहना। फिर लूरी कहती है कि उसे एंचेंटमेंट सीखना है एंड फिर मैटी कहता है कि उसके पहले उसे कुछ और करना होगा जो कि उसी का पार्ट है। लूरी कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। बाद में मैटी कहता है कि उसे एंचेंटमेंट करने के लिए पहले वेपन बनाना सीखना होगा जिससे वो उस पे एंचेंटमेंट का स्पेल कर सके। वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है एंड उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बस उन्हें कुछ मटेरियल चाहिए वेपन बनाने के लिए। उसके बाद मैटी एक दीवार के पास आके खड़ा हो जाता है एंड वहाँ पर स्पेल करते ही वो दीवार टूट जाती है। मैटी एक टुकड़ा उठा के कहता है कि उन्हें इसमें से रॉ मटेरियल मिल जाएगा एंड उसे रिफाइन करने के बाद इन्हें उसमें से आयरन मिलेगा जिससे वो लोग वेपन बना सकते हैं। मैटी उस चीज़ को रिफाइन करके लूरी को चीज़ें दे देता है एंड उसे वेपन बनाने को कहता है। दूसरी ओर आलमा छोटे मॉन्स्टर को मार रही होती है एंड उनमें से मैजिक स्टोन भी कलेक्ट कर रही होती है। फिर वो मैटी एंड लूरी के पास आती है जहाँ पर वो देखती है कि लूरी के आसपास कई सारी स्वॉर्ड पड़ी होती है। लूरी दीवार पर अटैक करती है एंड उसके अटैक करते ही दीवार को ही तोड़ देती है एंड ये वाली स्वॉर्ड उसने खुद एंचेंट की होती है। फिर लूरी आलमा को एक कवच दे देती है जो कि उसने खुद बनाया है एंड इसे मैटी ने सब कुछ सिखाया है। फिर मैटी कहता है कि वो तीनों ही 10th फ्लोर पर जाएंगे जिससे ये देख सके कि इन दोनों ने कितना सीखा है। एंड ये तीनों ही लोग 10th फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर आलमा एंड लूरी छोटे छोटे मॉन्स्टर को हराते हैं। एंड यहाँ पर मैटी का जो लॉकेट होता है वो इनकी पावर एंड एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा होता है। यहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों ने हराए गए मॉन्स्टर से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर आलमा एंड लूरी अपने टीम वर्क से उस वुल्फ मॉन्स्टर को भी हरा देती है एंड इन्हें एक स्टोन मिल जाता है। फिर मैटी कहता है कि उन्हें एक कैंप में जाना होगा उससे पहले कि और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाए। जो कैंप एक पावरफुल बैरियर के अंदर होगा जो कि सेफ एरिया में हो। फिर मैटी अपने स्पेल कास्ट करके एक पावरफुल बैरियर के अंदर एक कैंप जैसा कुछ बना देता है एंड यहाँ से जाने लगता है। तब लूरी कहती है कि वो कहाँ पर जा रहा है। तब मैटी कहता है कि वो 25th फ्लोर पर जा रहा है।
रियालमा कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ 23rd फ्लोर ही है एंड जहाँ पर 10 लेजेंडरी पर्सन है जिनको ज्यूस मैजिक ऑफ गॉड प्रोटेक्ट कर रहा है। मैटिक खुद से कहता है क्या उसने कहा कि ज्यूस मैजिक के गॉड। एंड फिर नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है जहाँ पर उसे कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं लेकिन वह उसे आराम से हरा देता है एंड उसे जो चीज़ें चाहिए होती है वो भी मिलने लगती है। तभी मैटी को कुछ पावरफुल डीमन का सेंस होता है एंड वो कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ के मुकाबले मेरे पास अभी काफ़ी कम पावर है लेकिन चलो ऑब्जर्व करते हैं एंड उस तरफ कूद जाता है एंड जाते ही एक मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर होते हैं जिनको मैटी आसानी से मार देता है एंड दूसरे वाले डीमन के लिए एक रास्ता बनाता है एंड फिर अपना सर्च मैजिक स्पेल करता है। तभी उस पर कोई अटैक करता है एंड मैटी उसे डॉज कर लेता है। फिर वो देखता है कि यहाँ पर एक सरपेंट मॉन्स्टर होता है उसके एक पावरफुल अटैक से मैटी मर सकता है। उसके जहर से जमीन तक पिघल रही थी एंड वो जहर हवा में भी फैल रहा था। फिर मैटी सोचता है ये उसके फर्स्ट क्रिस्ट के साथ उसका पहला चैलेंज है एंड मैटी एक ही स्लाइस में उस सरपंच का सर काट देता है लेकिन वो जल्दी ही रीहील हो जाता है। तभी मैटी को मुंह में रख लेता है लेकिन मैटी अपने स्पेल का यूज करके उसका मुंह ही फाड़ देता है एंड बाहर आ जाता है लेकिन अभी भी वो सरपेंट एकदम ठीक ठाक होता है। उसके बाद मैटी अपने स्वॉर्ड पर कोई स्पेल कास्ट करता है एंड उसे काटने लगता है लेकिन उस सरपेंट को अभी भी कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर मैटी एक स्टोन जैसा कुछ निकालता है एंड वो कहता है ये एक ट्रिक है जो कि वेल्डर स्वॉर्ड कास्टर को काफ़ी पसंद आती है एंड फिर उस चीज़ को तोड़ देता है एंड फिर उसके पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं एंड मैटी उन सारे पार्टिकल को अपने स्वॉर्ड में इकट्ठा कर लेता है एंड उसके बाद एक जोरदार अटैक करता है। इस स्पेल का नाम होता है कि स्पेशल मैजिक एंचेंट। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस डीमन का तो अंत हो जाता है लेकिन लूरी एंड आलमा तक इसकी वाइब्रेशन जाती है। तभी कुछ दो डीमन दिखाए जाते हैं जिनमें से एक कहता है कि एडवर्ड तुमने फील किया ये मैजिक का मैसिव बस्ट एंड तभी एडवर्ड नाम का डीमन कहता है ये बस उसकी इमेजिनेशन है क्योंकि इस वक्त इस एज में कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। एंड फिर आलमा एंड लूरी के पास मैटी पहुंच जाता है एंड उन्हें बताता है कि उसने बहुत बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट की है एंड तभी अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वो उस मॉन्स्टर के सर को अपने पास ला देता है एंड जिसे देख के लूरी एंड आलमा दोनों ही चिल्लाते हैं जिसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।